देखिए, ये देश सभी का देश है, हर भारतीयों का देश है, किसी एक परिवार का देश नहीं है। कि हर चीज में उनका ही नाम होना चाहिए और उस परिवार से ही नाम होना चाहिए। पिछले दिनों देखिए, जब से आजादी के बाद भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन बना है, देश में जो कुछ भी बना है सब में या तो नेहरू जी का नाम या नेहरू जी के परिवार वालों का नाम या गांधी सोनिया इंदिरा गांधी जी का नाम या राजीव गांधी जी का नाम, बस परिवार से ही है सब नाम। अरे भाई, देश में और भी लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। और जब प्रधानमंत्री, अब इस वक्त बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री के बारे में क्यों जो है वो लाइब्रेरी बनेगा या म्यूजियम बनेगा? सभी प्रधानमंत्रियों के लिए बनना चाहिए। और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि जितने सारे प्रधानमंत्री, 70 साल उनका राजपाट रहा है, तो जितने सारे प्रधानमंत्री रहे, ज्यादातर प्रधानमंत्री, 90% प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के हैं। ऐसे में उनको प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी सभी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सेवा की है और प्रधानमंत्री रहे, उनको सबको जगह मिली, ज्यादातर कांग्रेस के हैं। लेकिन यह कहना कि सिर्फ नेहरू जी को ही मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है कि अन्याय कर रहे हैं देश के बाकी प्रधानमंत्री और बाकी जनता के साथ। देखिए, शशि थरूर से वेरी अनफॉर्चुनेट बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। देखिए, इसमें राजनीति वो लोग करेंगे जिनको परिवार से कुछ चाहिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस के सभी लोगों को जो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट या ताकत, एनर्जी, सब जो है पहले परिवार उनकी जो है प्रथम फैमिली से आती है। इसलिए ऐसे में ऐसी चीजों की निंदा करेंगे ताकि परिवार से उनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिले। तो अपने निजी कारणों के लिए, निजी फायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो इस तरह की निंदा कर रहे। दिल से हर भारतीय चाहता हो कि हर वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहे, देश की सेवा की है, सबको संग्रहालय में जगह मिलनी चाहिए और मिली भी है। इसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ना कि निंदा। योगियों के हाथ में है, उनकी भूमिका समाज में एकता को बनाए रखना है, लेकिन ये लोग देश को और लोगों को बांट रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है कि जो घमंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। घमंडिया गठबंधन जो है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आज एक स्थिर सरकार के में खामियां निकाले। जनता का सपोर्ट वो खो चुके हैं, लेकिन आंखें बार बार उनको जो है प्रधानमंत्री के पद पे है। इसका जवाब देश की जनता देगी, क्योंकि 2024 में जब इलेक्शन होगा तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है देश की सेवा के लिए, देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, और ऐसे में अगर कोई कटाक्ष करता है तो समझिए वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, ना कि देश की सेवा के लिए। और वो राजनीतिक फायदे के लिए जो कर रहा है और राजनीतिक सेटियां जो रोटियां जो सेक रहे हैं, उनको देश की जनता जवाब देगी। देखिए, दिल्ली में अब खुद कांग्रेस ही कह रही है नूरा कुश्ती होगी, तो क्या इंडिया का पार्ट नहीं वो केजरीवाल? कभी आप देखिए तो संदीप दीक्षित केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी कोई और कोई गाली देता है। भाई, कैसा जो है घमंडिया गठबंधन है, इन लोगों का एरोगेंस है। अभी सातों के साथ सीटें जीतेंगे, अभी केजरीवाल से पूछे भाई कितनी सीटें वो देंगे उनको लड़ने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है उससे सिर्फ एक चीज समझ में आता है कि ये पॉस्चरिंग है। हकीकत मालूम है उनको कि जमीन की हकीकत मालूम है कि सातों के सातों सीटें भी लड़े तो भी हारेंगे, साथ लड़े तो भी हारेंगे, और देश की जनता और प्रदेश की जनता जो है और दिल्ली की जनता उनको जो है हराएगी। इसलिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं, बट इस तरह के स्टंट जब भी किया है और इस तरह का पॉलिटिकल गिमिक जब भी हुआ है, उसका नुकसान उन्हीं को भुगतना पड़ा है। पर सुनवाई करेगा कोर्ट, इसमें महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि ये अब फाइनली वेरी भावनात्मक, ये इमोशनल चीज है कि अब इस पे सुनवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरियों पे जो हो रहा है, जो बीजेपी कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन 370 पे कार्रवाई सुनवाई हो रही है, तो उसके बाद राहत है थोड़ी। देखिये, 370 तो अब ये जो है इस हिस्ट्री, इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का सवाल है, इन लोगों की राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए इसको बार बार 370 पे कटाक्ष करते रहेंगे। लेकिन हकीकत तो है कि कल ही देखिए 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन, न फोन बंद था, न इंटरनेट बंद था, बैरियर लगा हुआ था, कहीं ना रुकावटें थी, फिर भी
जनता बिल्कुल खुल के आजादी का जश्न मना रही थी, और ऐसे में ये बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों पर है जो 370 के हिमायती लोग थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे मैं मुफ्ती हूं या और भी कोई हो जो उनके हिमायती थे। एक आम नागरिक, इनको कह सकते हैं इनको नुकसान हुआ है, बट एक आम नागरिक जम्मू एंड कश्मीर का वो बहुत खुश है, इसलिए कि उससे उसके देश से जुड़ने का मौका मिला, उसको एक गर्व होता है कि देश से जुड़े और देश की जितनी सारी सुविधाएं हैं अब उनको मिलने लगी है। आखिरी सवाल है, सौरभ भारद्वाज ये बहुत ही छोटे नेता हैं, ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, और ऐसे में ये बात कर रहे हैं जब हम लोग INDI बैठेंगे साथ में, हम लोग डिस्कशन करेंगे कितनी सीटें किसको देंगे, वो आगे की बात है, लेकिन अलका लांबा के इस बयान को बहुत ही छोटा बताया मैंने। अब देखिए, मैं उनका आंदोलनिक आंतरिक मामला है, लेकिन ये चाहे सौरभ भारद्वाज हो चाहे अलका लांबा, इन लोगों की कोई गिनती नहीं दिल्ली में। अब ये लोग थोड़े इलेक्शन लड़ेंगे और जीत सकते हैं, इनको भी अपनी हैसियत मालूम है। अब ये नूरा कुश्ती करने दीजिए, लेकिन हकीकत है कि ये इंडिया गठबंधन जो है ना, जिसको जो घमंडिया गठबंधन है, ये सब एरोगेंस वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ एरोगेंस है। ये साथ आए हैं अपने अपने हित के उससे सर्व करने के लिए, लेकिन जैसे इनका हित खत्म होगा वो अपने आप ही गठबंधन जो है गठबंधिया जो घमंडिया गठबंधन अपने आप टूट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।